आज की इस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस मौसमी काशिफ जो एक टैक्सी ड्राइवर था और उसको अगवा किया गया था उसकी ब्रांड के सिलसिले में है। मोरखा 19/3/2021 को मुदई अमीन ने मलकाबाद थाने गदून पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की कि उसका बेटा मौसमी काशिफ जो एक टैक्सी ड्राइवर था उसको किसी ने मोटर कार नंबर 5346 XLI के साथ अगवा किया गया है और उससे मुबलिग 1,00,000 रुपये का तावान का मुतालबा कर रहा है। तो इस इतला को मुसद्दिका जानकर डी पी ओ साहब ने उसका सख्ती से नोटिस ले लिया और उसने इस सिलसिले में DSP साहब इफ्तिखार खान की सरकर्दगी में SHO गदून फवाद खान और कोटा मलाई शहजामान खान की सरकर्दगी में एक टीम तश्कील दी, उसकी बाकायदार FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करने के बाद साइंसी हदूद पर इसकी तफ्तीश शुरू करके इस नतीजा पर पहुँचे कि इस काशिफ को मुलजमान नूरकदर शाह, फयूम खान, शहनशाह और फितूर और सलील ने अगवा किया गया है और उसके लिए तावान का मुतालबा कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत महारत के साथ इस केस को आगे बढ़ाया और इस मगवी को मोटर कार मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया और उसको बरामद कर दिया और उसके साथ जो पैसे इससे छीन लिए गए थे वो भी रिकवर कर दिए गए। उसको जो रस्सी वगैरह से बांध दिया गया था तो वो रस्सी भी आपके सामने है। तो मज़ीद तफ्तीश इसकी जारी है।